और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं बठिंडा, जहां पर राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। रो रहे थे और मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, आप कैसे रो रहे हो? मैं समझ सकता हूं बाकी लोग रो जाएं, मगर आप कैसे रो रहे हो? आप तो शेर हो, सिख हो आप। मेरा हाथ पकड़ा, डेलीगेशन था, 20-25 लोग का डेलीगेशन था, 5-10 लोग रो रहे थे, हाथ पकड़ा मेरा और कहते हैं, राहुल जी आप हमें एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान के हैं या नहीं? बिल्कुल हिंदू। और कहां के हो? हिंदुस्तान के हो? राहुल जी हम पाकिस्तान से आए। इंडिपेंडेंस जब मिली थी तब पाकिस्तान से आए हम। हिंदुस्तान की सरकार ने हमें गुजरात में थोड़ी सी जमीन दी थी, ऊसर जमीन थी, हमने उसको तैयार किया, जैसे आज आपको पंजाब में जमीन मिलेगी वैसे हमने इसको गुजरात में तैयार किया। कुछ महीने पहले गुजरात की सरकार के अफसर आए और उन्होंने हमें कहा कि आप इसको यहां से आप जाइए, ये हमारी जमीन है, आप कटिए। भाई कहां जाएं, आप जाइए वापस पंजाब जाइए, आपकी यहां पे कोई जगह नहीं है। और उसने बोला, अफसर ने मुझे बोला, यू आर आउटसाइडर, मतलब आप बाहर के हो। गुजरात की सरकार ने हजारों सिख किसानों को उठा के गुजरात से बाहर फेंक दिया, उनकी जमीन छीन ली, वो मेरे पास आए, कांग्रेस के वर्कर उनके लिए लड़ रहे हैं वहां पे गुजरात में। अब आप मुझे समझाओ, यहां पे है अकाली दल, पार्टनरशिप है बीजेपी के साथ, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात के जो नेता हैं सिख किसानों को वहां से उठा के बाहर फेंक रहे हैं, कह रहे हैं यू आर आउटसाइडर, और यहां पे ये गले मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग यूपी के लोगों को मार के भगाते हैं, बिहार के लोगों को मार के भगाते हैं, यूपी में बीजेपी का प्रचार एक होता है, महाराष्ट्र में दूसरा होता है, गुजरात में सिखों को बाहर फेंकते हैं एक प्रचार करते हैं, पंजाब में दूसरा प्रचार होता है, दिल्ली में पोस्टर लिखा हुआ लगा हुआ था महिलाओं को मैं शक्ति देना चाहता हूं, मोदी जी की फोटो थी उस पर, कमल का फूल था, मैंगलोर में महिलाओं को पीटते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ में 20,000 महिलाएं गायब हो गई, उनके मंत्री कहते हैं विधानसभा में, कहते हैं भैया हमें मालूम नहीं कहां गई, 20,000 महिलाएं गायब हो गई, हमें मालूम ही नहीं कहां गई। गुजरात में वही व्यक्ति जो पोस्टर पे लिखता है मैं महिलाओं को शक्ति देना चाहता हूं, वही व्यक्ति पुलिस का इस्तेमाल करता है